दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो रेलवे एग्जामिनेशन हो, वो एसएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो मैं इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के कुछ रासायनिक यौगिक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है केमिस्ट्री में। तो हमेशा ऑनलाइन क्वेश्चन इसमें हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को दिखें सीखें और अपने कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट वन, जो रासायनिक यौगिक है। तो सबसे पहले वो टॉपिक में है सोडा। तो सोडा में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि खाने का सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको उसका रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है NaHCO3, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कपड़े धोने का सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और उसका रासायनिक सूत्र है कि Na2CO3 10H2O। तो हम लोग देखे हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप कोई भी रासायनिक यौगिक का आप रासायनिक सूत्र दिमाग में जरूर रखें, उसका रासायनिक नाम भी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में सोडियम बाई कार्बोनेट पूछ देता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको टिक मार्क करना है NaHCO3 या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा के बाद है कास्टिक। कास्टिक का व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम यहाँ पे जो हम लोग अपने बोलचाल भाषा में जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है KOH। तो हमारे चैनल पांडे गुरु जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट का जो व्यापारिक नाम है वो है चिली सल्फिटर, जो जिसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट, उसका रासायनिक सूत्र है NaNO3। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, उसका रासायनिक नाम है और उसका रासायनिक सूत्र है KNO3। सोरे का अम्ल, उसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल और उसका रासायनिक सूत्र है NaHNO3। नॉर्वेजियम सल्फेट, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट और उसका रासायनिक सूत्र है CaNO3। कपिस थोथा, इसका व्यापारिक नाम है हरा कपिस या हरा थोथा, ये एग्जामिनेशन में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बता देते हैं कि उसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, जिसका FeSO4.7H2O है। नीला थोथा कापर सल्फेट जिसको बोलते हैं CuSO4, कापर सल्फेट का हमेशा रासायनिक नाम पूछा जाता है .5H2O। जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ये बेसिक रासायनिक सूत्र है इसके। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का व्यापारिक नाम तीन होते हैं, जिसको अलग अलग बोलते हैं। तो यह पहला है सुहागा, जिसको बोलते हैं बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। ग्लोबर सॉल्ट, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यहाँ पे सॉल्ट केक रहेगा तो उसका Na2SO4 रहेगा, और ग्लोबल सॉल्ट रहेगा तो Na2SO4.10H2O। उसके बाद लाल, व्यापारिक नाम है लाल दवा, जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आप व्यापारिक नाम नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रासायनिक नाम हमेशा याद रखें। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। लेड पराक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो PB3O4 है।
नेक्स्ट है पोटेशियम, जिसका व्यापारिक नाम है फिटकरी। फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र K2SO4.Al2SO4.3.224H2O। तो इसको आप रख सकते हैं पोटेशियम क्रोमिनियट सल्फेट K2SO4.Cr2O4O3.24H2O। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम क्लोराइड KCLO3। तो आप इसका नाम रख सकते हैं लेड, जिसका बोलते हैं सीसा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम है PO3। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का रासायनिक नाम है PBS। लेड पारॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है PB3O4। तो जिसको लेड पारॉक्साइड को हम लोग लाल सिंदूर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का ये सारे व्यापारिक नाम है। तो कैल्शियम का जो जो विरंजक चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो पानी को सफाई करने के लिए यूज होता है, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखें। चूना पत्थर चाक संगमरमर, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। चूना बिना बुझा हुआ चूना कली चूना, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है CaO। बुझा चूने चूने का पानी भखरा चूना, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है CaOH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फे हेमिड्रेट बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है CaSO4.12H2O। जिप्स का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। तो आप रासायनिक नाम हमेशा और रासायनिक सूत्र हमेशा सभी का रट लें, ताकि एग्जामिनेशन में इसी का इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी या LP या टेक्नीशियन में जो केमिस्ट्री से आती है, SSC का जो भी एग्जाम निकलने वाला है, उसमें भी इसे इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीक्लोराइड का व्यापारिक नाम है फॉक्सिजन, जिसका कार्बन ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। उसके बाद है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। तो ये वीडियो बेसिकली वैसे दोस्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो 10th 11th या 12th में साइंस या ग्रेजुएशन में साइंस नहीं किए हैं, और वो ग्रुप डी या रेलवे का एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो प्रिपेयर किया हूँ, ऑनलाइन नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपको केमिस्ट्री का वीडियो मैं आपको फुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्रोवाइड करूँगा, और उसमें उसके बाद आपको जब केमिस्ट्री का टॉपिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, तो आपको उस पर क्वेश्चन बनाने को बोलूँगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो कितना आपका याद है, अब आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एल्युमिनियम, जिसका व्यापारिक नाम है बॉक्साइट, जिसका रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्युमिना, जिसका रासायनिक सूत्र है Al2O3.2H2O। जिंक जिसका व्यापारिक नाम है ब्लैक जिंक, इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फाइड, और उसका रासायनिक सूत्र है JNS। ये SSC का एग्जामिनेशन में आ चुका है एक क्वेश्चन, कि जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र बिलो इसमें कौन सा है। जिंक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है ZNO, जिसका व्यापारिक नाम है चाइनीज वाइट। उसके बाद है सिलिकॉन का व्यापारिक नाम है सिलिका बालू रेत, जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है SiO2। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका रासायनिक सूत्र है SiC। नाइट्रोजन का व्यापारिक नाम है नोसादर। तो व्यापारिक नाम आप रखते चाहे ना रखें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको रासायनिक नाम रखना बहुत ही जरूरी है, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl।
नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है N2O, सिल्वर जिसका रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम है हॉर्न सिल्वर, जिसका रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है AgCl, सिल्वर नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र है AgNO3। तो Ag जो होता है उसका सिल्वर का रासायनिक सूत्र है और नाइट्रेट NO3। मरकरी जिसका रासायनिक सूत्र है HG। मिक्यूरियम सल्फाइड जिसका रासायनिक सूत्र है HgS। गैस का व्यापारिक नाम है जल गैस, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, जिसको CO+H2 बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, जिसको CO N2 बोलते हैं। मीथेन जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। बर्फ जो ठोस हाइड्रोजन होता है जिसका रासायनिक सूत्र है H2O। शुष्क बर्फ जिसका ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है उसका नाम है CO2। ड्यूटेरियम जिसका भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम का जो रासायनिक सूत्र है D है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है, तो D2O। अम्ल व्यापारिक नाम है अम्लराज, जिसका रासायनिक नाम है सान नाइट्रेट अम्ल प्लस सान हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है HNO3 प्लस HCl 1:3 के अनुपात में होते हैं। सान सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको आयल ऑफ यूक्टाइल गंधक का अम्ल बोलते हैं। ओलियम फुलियम सल्फेट अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2O7। तो दोस्तों कुछ ऐसे थे जिसका रासायनिक सूत्र है। तो वीडियो को जो दोस्त अच्छे से देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको उसके रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री से जरूर पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री से यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री से बताएंगे। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेलवे एग्जामिनेशन से मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अभी तक चैनल हमारे पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो GS GK करंट अफेयर न्यूज अपडेट मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रेलवे एग्जामिनेशन का टिप्स रेलवे एग्जामिनेशन का रीजनिंग का वीडियो आप देखिए और आप जॉब पाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।